नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार एनडीए में रार चिर गया है। दरअसल एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इसके सारे गुण बता रही है और कह रही है कि देश के युवाओं को इससे फायदा पहुंचेगा, लेकिन दूसरी तरफ बिहार एनडीए में शामिल हम पार्टी के मुखिया जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि इसे तुरंत वापस लो, ये देश के लिए खतरनाक है। तो देखिए, बड़ी खबर है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने यह बड़ी मांग कर दी है केंद्र सरकार से। उन्होंने कहा है कि यह जो योजना है वो काफ़ी खतरनाक है, इसे जल्द वापस लिया जाए। युवाओं के समर्थन में और छात्रों के समर्थन में जीतनराम मांझी खड़े दिखाई दे रहे हैं। जीतनराम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं आप देखिए, हम उनका ट्वीट आपको दिखाते हैं। जीतनराम मांझी लिखते हैं कि अग्निपथ स्कीम राष्ट्र हित और युवा हित के लिए खतरनाक कदम है, जिसे अविलंब वापस लेना होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है कि अविलंब अग्निपथ स्कीम को खत्म कर पुरानी सेना भर्ती योजना को शुरू करने की घोषणा करे। जय हिंद। तो जीतनराम मांझी का ये ट्वीट आपने देखा कि जीतनराम मांझी इसे खतरनाक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इसे जल्द वापस ले, यह स्कीम देश के लिए खतरनाक हो सकता है। सेना की भर्ती में जो पुरानी प्रक्रिया थी उसे वापस लाई जाए और इस योजना को ख़त्म किया जाए। तो कहीं ना कहीं जीतनराम मांझी जिस सरकार में शामिल है, बिहार एनडीए में शामिल है, अब वो अपने ही सरकार के योजना पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसे ख़त्म कर देने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि बिहार में इस योजना को लेकर काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जो युवा हैं, जो आर्मी की तैयारी करते हैं, वो आज सड़क पर उतरे और उग्र प्रदर्शन भी किया। ट्रेनों में आग लगा दी गई, सड़कों को जाम किया गया, टायर जलाए गए, कई जगह से तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई थी। कहीं ना कहीं जो युवा हैं वो अब गुस्से में हैं और इस गुस्से को देखते हुए जीतनराम मांझी ने सरकार से आग्रह किया है कि अग्निपथ योजना को जल्द से जल्द वापस ले लिया जाए। और उन्होंने नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसे जल्दी आप ख़त्म कीजिए, नहीं तो ये बहुत ही खतरनाक साबित होगा, खास करके देश के युवाओं के लिए ये योजना ठीक नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार एनडीए में शामिल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने भी यह मांग किया है कि इस फैसले पर एक बार सरकार को पूर्ण विचार करने की ज़रूरत है। उपेंद्र कुशवाहा, जो कि जदयू पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने भी केंद्र सरकार से यह मांग किया है कि इस योजना को लेकर एक बार पूर्ण विचार करने की ज़रूरत है। तो बिहार में देखिए, बिहार एनडीए में जो तमाम पार्टियाँ हैं वो अग्निपथ योजना को लेकर सहमत नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी कह रही है कि इस पर पूर्ण विचार करने की ज़रूरत है। तो दूसरी तरफ जीतनराम मांझी खुलकर कह रहे हैं कि यह योजना जो है काफ़ी खतरनाक है, इसे जल्द से जल्द वापस ले लेना चाहिए। तो बहरहाल, अब आप क्या सोचते हैं इस योजना को लेकर, आप कमेंट करके बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, और ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।